क्या ये डंडा आपका है? हटाएंगे प्लीज। यो शेख शिवन के ना बंठन के इतरा के बालों में हाथ फेर के यदि तू कहीं जा सके ना तो सिर्फ हमारे संग। आज हम अच्छे मूड में हैं, हम आपको पढ़ाई टिकट दे रहे हैं कि हमारा आपके हाथ को ताल्लुकात बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि आप में है ही क्या। अरे ऐसा मर्दाना सा जिस्म, रोबीली सी आवाज, गुंडाना अंदाज, और हमें देखिए आई एम अ गोरा गोरा छोरा, हम बहुत ही फेयर हैं। गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर। देखिए मिश्राला, आप ना डंडा अपने पास रखिए, हम जाके गोरियों से मिल के। मेरा मतलब है कि लोकल जू से अभी अभी फोन आया है कि वहां का टॉप का गोरिल्ला मिसिंग है, वो भाग चुका है, इसलिए हमें बुलाया गया है। उसके बदले में हम वहां जाएंगे, नाचेंगे कूदेंगे हु हु करेंगे और बच्चों को बहलाएंगे फुसलाएंगे। तो हो सका तो हम गोरिल्ला को भी पकड़ लेंगे। हो जाएगा, हम चलते। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या आप ये मेरा रंग छुटा सकती हैं? ओ, 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 ओ भाई साहब, आप हैं कौन और ये आपको कोई कलर रिमूवल लैब दिखाई दे रहा है? सी मैडम, माय नेम इज सुंदर पांडे एंड एक्चुअली व्हाट हैपन यू नो दिस कलर्स एंड जाने दो, इंग्लिश नहीं जमेगी मुझे। देखिए मैडम, मेरा नाम है ना सुंदर पांडे है। पिछली होली में बबलू बेताब ने मेरे मुंह पे ये काला रंग मल दिया था और तब से लेके आज तक ये कलर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। और तभी ना मेरी टिन्नी के साथ शादी तय हो गई थी, क्योंकि तभी मैं गोरा था ना, लेकिन अभी मैं काला हूँ। तो मेरे ससुर ने क्या कहा कि ये काला रंग निकाल, गोरा हो जा, तब मैं तेरी शादी टिन्नी के साथ करूंगा। मैंने एक साल तक मेरे होने वाले ससुर को समझाया कि देखिए ये कलर उतर जाएगा, मैं गोरा हो जाऊंगा, लेकिन ये कलर है कि उतरने का नाम ही नहीं लेता। और इसकी वजह है बबलू बेताब। बबलू भाई। हाय मैडम, माई सेल्फ बबलू बेताब। मुझे पता लगा कि यहां मुझे बुलाया गया है। हाँ भाई, रंगरसिया है नहीं, वो किस प्रकार का जो है पेंट लगा दिया तैने इसके मुंह पे, जो उतर के ही ना दे रहा। मैडम ये कोई अकेला इंसान नहीं है जिसे बबलू बेताब ने रंग लगाया हो इशारे में। ओ, मतलब तुमने और भी कईयों के मुंह काले किए? अरे हम क्या मुंह काला करेंगे, अरे मुंह काला तो हमारे फादर किया करते थे, एक नंबर के रंग लगाऊ थे वो। मैं एक नंबर की रैप्टा लगाऊ हो रही हूँ ना, कौन सा पेंट लगाया था ने इसके मुंह पे? मैडम वही तो मैं कह रहा हूँ कि जिस के हमने पिछली होली पर रंग लगाया था उन सब के रंग तो उतर गए, यही एक अकेला है जिसके चेहरे से ये रंग नहीं उतरा। वही तो हम पूछ रहे हैं, इसके चेहरे से रंग क्यों नहीं उतर रहा? मैडम मुझे तो लगता है कि इसकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है। आप मुझे यहाँ बुला के मुझसे सवाल करके खाम खाम अपना वक्त बर्बाद कर रही है। मैं कह रहा हूँ कि आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट को बुला लीजिए। भाई इसमें भी मन ने पॉइंट दिखे ना, जब सबके मुंह धुल गए ना, रंग उतर गया, तो इसके मुंह से क्यों ना उतर रहा? स्किन स्पेशलिस्ट ने बुलावा वाल को। अगर आप कहें तो मैं एक नंबर दूं। नाम है डॉक्टर डिंपल। हाय आई एम डॉक्टर डिंपल। जो एक बार स्किन के तह तक जाए और प्रॉब्लम ढूंढ लाए। यही पेशेंट है इनके, ये चेहरे का कलर उतर नहीं रहा है, आप जरा देख के बताएंगे कि इनके स्किन में कोई प्रॉब्लम है? वेल, इनकी स्किन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यो, अगर कोई और पेशेंट हो रहे हैं। By the way, you are Dr. Dimple. Dr. Dimple, I am Pimple. मेरा मतलब है डॉक्टर डिंपल। देखिए हमारे यहाँ पे है एक पिंपल और हम है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ विमान चौकी हनुमान प्रसाद पांडे। मक्खन सिंह, ब्यूटी ने छोड़, ड्यूटी पे ध्यान दे। और तू डॉक्टर नहीं, ना PhD, ना स्पेशलिस्ट,
भैया ऐसा है किसी को इस थाने में कोई परेशानी ना है, इससे पहले कि तू परेशानी में आ जाए तू निकल यहाँ से। ओके बाय, नाइस मीटिंग। अरे पिंपल है कहाँ, वैसे दिखाई तो नहीं दे रहा है। हाँ। अबे यार सबर कर, दिख जाएगा। मेरा मतलब है कि देखो अभी पिंपल अंडर है, मतलब उग जाएगा, जब पक जाएगा, पेड़ निकल जाएगा, फिर तुम फल खा लेना पिंपल वाला, ठीक है? डॉक्टर ने तो पार चलिए, हमारे केयर में एसी है, वहां पे आराम से बैठ के पिंपल का इलाज करेंगे। चलिए। यो यो। अरे मम्मी जी, ये डिंपल कहीं सच में डैडी जी का इलाज ना कर दे। मैडम मैडम मेरा कुछ कीजिए। अरे के कर दे थारा ना मेरे, तो कुछ कीजिए कीजिए। मैडम मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। अरे जिंदा रहते थारे किस में क्या आया बेटा गुंगले? मतलब मैडम आइडिया आपका ही है, बस आया मेरे दिमाग में। ना तो रेता खा के देगा कि मुंह में गन्ना ठूस दूंगी फिर देगा तू आइडिया। नहीं मैडम देखिए, रंग लगाने और उतारने का काम धोबी का होता है। मैडम आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि रंग दे ऐसे कि रंग ना उतरे, धोबी धोए चाहे सारी उम्र। या मैडम इस केस के लिए हम एक धोबी की सलाह ले लेते हैं। मम्मी जी तमलू आ गया। हाँ भी तमलू, इसका रंग उतारना है। हाँ मैडम, ये एकदम है पक्का, एकदम बढ़िया, चटकदार और गारंटीड है चकाचक। अरे वो सब तो ठीक है लेकिन उतरेगा कि नहीं? अरे ये धमलू धोबी जबान है, अगर ये ऐसे ही निकल जाए ना तो तुम्हारी तीन चद्दर दुई ठो पॉइंट और एक जांघिया एकदम मैं फ्री में धोकर दूंगा और भी एकदम चकाचक। ऐसे नहीं उतरेगा तो कैसे उतरेगा? देखो भैया ऐसा है कि रंग इतना पक्का है, इतना पक्का है कि एक दो धुलाई या रगड़ाई में तो निकलने वाला है नहीं। और वैसे भी हम अपने सारे कपड़े जो है ना वो गंगा घाट में जाकर के रगड़ते हैं, धोते हैं, और इनको अगर निकलवाना है तो इनको हमारे साथ गंगा घाट आना पड़ेगा एकदम चकाचक। हाँ तो भाई सुंदर पांडे, न तू इसके संग गंगा घाट जाने को रेडी से? अरे मैडम मैं गंगा घाट क्या, घाट घाट जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ओ भैया ये रंग निकलेगा तो सही ना? और नहीं निकला ना तो तुम्हारा तीन छो साड़ी दो छो ब्लाउज एक छो पेटीकोट एकदम मैं फ्री में धो के दूंगा और अभी चौका चौक। ये देखिए हम आपके बतलाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं और नारियल पानी पी रहे हैं जिससे हमारा स्किन आपकी स्किन की तरह खूबसूरत हो जाए। क्या लगा रखा है ये सब? दिस इज कॉल्ड डॉक्टर डिंपल का स्पेशल ट्रीटमेंट। क्यों डॉक्टर डिंपल? इट इज वेरी सिंपल, गायब करवा दूंगी चूरिया और पिंपल। मक्खन सिंह मैं जाना गारंटी से कह सकती हूँ कि यो कतई डॉक्टर ना है। शक हो रहा है कि इसे ना कतई मैंने किसी बियर बार में देखा है सर, यो यो करके डांस करते हुए। लेकिन हम भी तो बियर बार में जा सकते हैं, हमने कभी नहीं देखा। मेरा मतलब क्या बकवास सुन रही हैं आप? देखिए मैं छोड़ा ना, ये बहुत ही नेक सुशील और खूबसूरत औरत है, मतलब जिनसे मतलब हम अपना इलाज करवा रहे हैं। आप ज्यादा जेलस मत होइए, चिंता मत करिए, हम अपना इलाज करवा रहे हैं, चिंता मत करिए। तो डॉक्टर डिंपल चले मैडम। अरे भाई इतनी भी क्या जल्दी थी, जो नहाते नहाते आगे कम से कम पहुंच के तो आते। अरे मैं अपने घर से नहा के नहीं आ रहा हूँ। तो किसके घर से नहा के आ रहे हो? पड़ोसी के? नहीं बाबा नहीं, वो धोबी है ना धोबी, वो मुझे गंगा घाट ले गया, वहां पे उसने मुझे उठा उठा के पटक पटक के पानी में ऐसा धोया कि मेरे मुंह का कलर तो नहीं उतरा लेकिन तीन चार जगह से हड्डियां उतर गई है। क्या नहीं? हाँ भाई ऐसा है, ईब तो मरने जाना एक ही रास्ता दिखे। तो मैडम उस रास्ते पे मेरी शादी का फ्लाई ओवर बना दीजिए ना। छोरी के बाप को बुला के उसे ही मनाना पड़ेगा ईब तो। तो मैं उसे बुला के लेकर आऊं? तू बुलाएगा? हाँ मैं पहचानता ना। अरे तो मुंह पर जो है ना कालक पोत रखी, ऊपर से नंगा। अरे घर जाके तैयार हो, टूट कपड़े पेंसिल निकले यहाँ से। ओके थैंक यू। यो यो जी मैं बता रहा हूँ मैं नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा।
और इस रिश्ते के लिए तो मैं साथ जन्मों तक नहीं मानूंगा। बताइए हलवा है क्या? नहीं हलवा तो नहीं है, लेकिन जलेबी अच्छी बनती है, सामने आप कहें तो मंगा। मिष्ठान भंडार खोल ले तू इसके संग पार्टनरशिप में, ना अपनी तोड़ निकाल के बैठी हो वहां। हाँ भाई डैडी। भैया सर गोरे काले के फेर में कुछ ना धरा है। हम गोरे खानदान के हैं और गोरे खानदान की एक रीत चली आई, घर में आएगा तो सिर्फ गोरा जमाई। बताइए हलवा है क्या? ताया जी बात ये है कि सुंदर पांडे है तो गोरा, लेकिन उसका किसी ने मुंह काला कर दिया है। बताइए तो वो मुंह काट के शादी करेगा? बात करता है, हलवा है क्या? नहीं, क्या लुट जाएगा सुंदर पांडे का प्यार? मैडम ये तो कर रहा साफ इनकार। ओके बाय। भाई अंकल ऐसा ना कि इस एज में पर्टिकुलरली भाई इतनी एक्साइटमेंट आपने शोभा कोई ना देती है। भाई उसके चेहरे पे कलर ही तो पुता है, एक रंग है, एक ना एक दिन तो छूटेगा ही। आपके कहने का क्या मतलब कि तब तक मैं अपनी टिन्नी को घर में बिठाए रखूं? बताइए हलवा है क्या? तो इसकी क्या गारंटी है कि उसको किसने रंग लगाया है? हो सकता है उसका रंग धीरे धीरे काला ही हो रहा हो। हाँ भाई टिन्नी मोबाइल। भाई तू बोल थारे दिल में के है ना के चारी तू, ना उस सुंदर पांडे से शादी करना मांग रही की ना मांग रही? मेरा क्या है, मैं तो किसी से भी शादी कर लूंगी, बस मेरी शादी करा दो। ओह घनी स्पोर्टिंग बेटी पैदा कर रखी है आपने तो अंकल। देखिए मिस्टर टाला, मुझे भी आप किसी शूरवीर की लड़की लगती हैं, लेकिन मैं आपकी एक बात नहीं मानूंगा, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है हरी हरी, मतलब ग्रीन है जी, मतलब जल्दी जल्दी। हलवा है क्या? चलो टिन्नी चलो फॉलो मी। क्या हलवे के लिए तो मरा जा रहा है ये मनुष है। अरे मैडम आप बिना एक नंबर की। अरे भोली है मैडम, मेरे कहने का मतलब है कि सिचुएशन कितनी मनहूस है। मैडम यहाँ आप अपनी खुद की लव स्टोरी सेट नहीं कर पा रही है और वहां उस सुंदर पांडे की। फिर दो बातें सा, एक डोंट गेट पर्सनल एंड सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ भाई पंजाब ब्रेकिंग न्यूज, राज रिपोर्टर हाँ क्राइम मास्टर बुला के लाओ। किसने? सॉरी 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 ना, किसने बुलाएगा बता? नाम भूल गया जी, क्या था? बबलू बेटा भूल ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे उठता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। एक्टर बनना ना, चौकी में क्यों आ गया? डेली शॉप कर, हीरो के फ्रेंड का रोल, कमेडियन का रोल है, ले 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 ले, रियलिटी शो में भाग ले ले, मिमिक्री करवा जाके नाच ले, पार्टनर ढूंढ ले कोई। What? मैं जाके आता हूँ जी। क्या? हाँ ये क्या कह रहे हैं आप इशारे में? वही जो तुम समझ रहे हो इशारे में। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अब जो हो सकता है ऐसे ही हो सकता है। मतलब हम टिन्नी को भगा के? अरे हम तो उसके साथ। तू अरे सामने जो है ना चतुर प्रकाश अराइव्ड, बनने की कोई जरूरत ना है। मन ने सब बेरा है कि तू उस टिन्नी से प्रेम करे और उसी टिन्नी के चक्कर में जो है ना तैने उस छोरे के मुंह पे केमिकलित कलर मल दिया है। भाई तो कानून की नजर में तो तू हो रहा टिपिकल गुनेगार, पर जो कि मैं भाई प्रेमियों का हमेशा साथ देती हूँ तो मैं तन्ने एक लास्ट ऑप्शन, एक लास्ट चॉइस दे रही हूँ। छोरी को भगा के जो है तू यहाँ ले आ और फिर हम तन्ने बॉर्डर पार करा देंगे, बाकी हमारे बालक संभाल लेंगे सब। डोंट वरी नो टेंशन। ये सच है मैडम इशारे में? सच। ओके भाई थोड़ी जो है सुस्ती सी आ रही है, हाथ दबाओ भाई। अरे ये तुम मुझे कहाँ ले आए? तुमने तो कहा था कि तुम उससे शादी करोगे। ऑफ कोर्स। अरे मैडम हमारा यहाँ से भागने का पूरा इंतजाम करेंगे, उसके बाद हम लोग बॉर्डर के उस पार जाकर शादी कर लेंगे। लेकिन मैडम दिखाई नहीं दे रही। अरे मैडम
मैडम, अरे मैडम मैं टिन्नी को भगा के ले आया। बबलू, बबलू, बबलू। तू यहां क्या कर रहा है सुंदर? बबलू भाई, बबलू भाई, देख मैं तुझसे पूछ रहा हूं तू यहां क्या कर रहा है? तुझे रोकने की कोशिश। हट जा मेरे रास्ते से। क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा? अरे तूने मेरा मुंह काला किया, लेकिन गोरे खानदान का मुंह काला नहीं होने दूंगा मैं। बबलू भाई, हट जा वरना चाकू मार दूंगा सुंदर। चाकू या चक्का, दोनों में से कोई भी मार ले, मैं यहां से नहीं हटूंगा। देख देख, मैं इसके लिए जान भी दे सकता हूं तो जान ले भी सकता हूं सुंदर। किसी ने जान ली तो किसी ने जान दी। भले भले मेरे ससुर, माने होने वाले ससुर, मुझे दामाद ना माने, लेकिन मैं डीपेस्ट ऑफ माय हार्ट अपना ससुर मानता हूं, और मैं उनका मुंह काला नहीं होने दूंगा। देख देख, उस बुढ़े का भी मुंह होगा काला और तेरा जिस्म होगा लाल। अरे मैंने कुछ नहीं किया। नहीं नहीं। हाँ तो भाई अंकल, भाई एक को तो आपने इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इसका मुंह काला है, और यो बबलू भाई, इसका तो दिल भी काला और इसके काम भी काले। ये आपके खानदान को बचाने के लिए अपनी जान पे खेल गया, और यो तो आपके खानदान की इज्जत से ही खेल गया आज है। और भाई तू सुंदर पांडे, भाई हमें जो है ना थारे पर से ऐसी कोई उम्मीद न थी कि तू एंड टाइम पे आके इतनी दिलेरी दिखाएगा, इतनी जांबाजी दिखाएगा तू। इसलिए कहते हैं गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की। ए, ए, कोई शक? बबलू भाई, मिस चटाला, आपने एक न्यूज चैनल वालों की तरह मेरी आंखें खोल दी। आज से ही, बल्कि अभी से मेरा दामाद है। ससुर जी। बस बेटा बस, लोग शक करेंगे। वैसे मिस चटाला, हलवा तो होगा ना इस वक्त? मुझे दमाजी का मुंह मीठा करवाना ना। चलो चलो अभी, चलो घर जगह पार्टी करते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। चलो चलो, गुड्डे सर प्लीज। बदमाश सर प्लीज, चाकू लेके घूमता है। चलो अंदर चलो। भाई, what is behind the घूंघट? ना घूंघट का क्या माजरा हो रहा? प्रपोजल लेके आया है तू? हाँ शादी करेगा? स्वागत में बैठा है, चांद सा चेहरा तो दिखा दे मक्खन सिंह। आप बिल्कुल सही कहती थी। अरे वो स्किन स्पेशलिस्ट एक नंबर के बकवास, मतलब बेहुदा किस्म की स्किन कैसे निकली। अरे उसने हमें आयशा क्रीम दिया कि हमारा गोरा चेहरा एकदम कल्लू कलराम हो गया। आई एम ब्लैक यार। अरे प्लीज हमारी हेल्प करिए, आप वाइट हैं हम ब्लैक हैं, कुछ तो करिए हमारे लिए। भैया साना, इसका तो जो है मन ने एक इलाज दिखे, तू है तैयार? अरे हम बिल्कुल हैं बेकरार।